नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। आज राजधानी भोपाल के नाइन मसाला रेस्टोरेंट में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा आज सरकार से लंबित मांगों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार शीघ्र हमारी मांगे पूरी करे। अभी तक हम सरकार के साथ थे, लेकिन सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। प्रेस वार्ता में प्रदेश के कई पदाधिकारी एवं भोपाल जिला अध्यक्ष एसएस निरंजन भी उपस्थित रहे। सरकार को हम बदल देंगे। सरकार आपके मांग अनदेखा कर रही है। देखिए, सरकार को हमने बाबा अवगत कराया और कम से कम एक साल दो साल से बता भी रहे। डीबीआई में भी हम लोगों ने 21 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। शासन तानाशाही रवैया अपना रही है प्राइवेट स्कूलों के साथ में। प्राइवेट स्कूल शासन का आधा बजट बचाता है। बहुत सारे उनको हमारे प्राइवेट टीचरों से उनको मतलब उनका जो टीचर अतिथि शिक्षा रखते हैं तो वो भी उनके पूरे नहीं हो पाते हैं, लास्ट में रखते हैं। शासन प्राइवेट स्कूलों के प्रति उनकी भावना है ही नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों हमारे बच्चे टॉपर होते हैं प्राइवेट स्कूलों के, हर चीज़ में प्राइवेट स्कूल उनका हेल्प करता है। ठीक है, वोट पोलिंग बूथ भी हम लोगों प्राइवेट स्कूलों में ही अधिकतर आप देख लीजिए। सर, क्या कदम उठाएंगे अब? सरकार आपके बात मानने तैयार नहीं है। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो हम तटस्थ होकर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे चुनाव के मध्य में, क्या लेना है। तो आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा आपका? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमें आपसे बार बार बोल रहे हैं, उस चीज़ को समझो और विचार करो। आप धरना प्रदर्शन देना नहीं चाह रहे? शासन को चेतावनी हम दे रहे हैं तो कुछ तो कदम आगे धरना प्रदर्शन कुछ में हम अपना निर्णय आपको बता देंगे, अभी तक आपके साथ रहते थे। थैंक यू। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, किन किन मुद्दों को लेकर आज नाइन मसाला प्रेस वार्ता आयोजित की गई? आज हम लोग जो प्रेस यहाँ कर रहे हैं सरकार को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि अब हम लोग लामबंद हो गए हैं, हम लोग तटस्थ हैं, हम आपके झांसे में हम नहीं आने वाले हैं। हम इस बार मतदान अपने निर्णय से अपने विवेक से करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। हमारी जो समस्याएं हैं हमें हम बार बार उनको बता चुके हैं कि स्थायी मान्यता हमारी हो, मान्यता संबद्धता शुल्क समाप्त हो, एफडी समाप्त हो, रजिस्टर किरायानामा नहीं लगना चाहिए, जो आरटी का भुगतान है वह अन्य राज्यों के बराबर और समय पर मिले। हमारे यहाँ जो शिक्षक काम करते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको 10-10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जाए, क्योंकि हम इसको किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम आधे बच्चों को पढ़ाते हैं मध्य प्रदेश के, जब आधे बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आधा बजट भी हम बचाते हैं सरकार का। और अगर हम शिक्षा का काम कर रहे हैं और हमसे जजिया कर वसूला जाए शिक्षा देने के लिए, तो ये गलत है। हमारा शिक्षा विभाग जो बैठा है बल्लभ भवन और डीपीआई में, वो पूरा शिक्षा माफिया का काम कर रहा है, उसको समाप्त किया जाए। निःशुल्क शिक्षा अगर सरकार की योजना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो उसमें फिर राशि किस बात की लगती है? हमें मान्यता शुल्क किस बात का लिया जाता है, या फ्री किस बात की दी जाती है? फिर निःशुल्क शिक्षा हुई कहाँ? मतलब शिक्षा तो बेचने का काम वहाँ से हो रहा है। तो ये सब समस्याएँ हम लोगों के साथ हैं। हम लोग बार बार यही चाह रहे हैं कि ये समाप्त हों। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही, भी समय है, तो निश्चित रूप से इस बार सरकार को इसका कम खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।